गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर्स एंड प्रे। प्रीडेटर्स और प्रे के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या विभिन्नता होती है? तो बेटा आंसर इज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स आर नोन एज प्रीडेटर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं। व्हाइल द एनिमल्स दैट दे हंट आर कॉल्ड देयर प्रे। जबकि वो बेटा प्रीडेटर्स जो होते हैं वो जिन एनिमल्स का शिकार करते हैं उन एनिमल्स को उनका प्रे कहते हैं। यानी प्रीडेटर्स जो है वो बड़े एनिमल्स होते हैं और प्रे जो होते हैं वो छोटे एनिमल्स होते हैं। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इज गिव टू रीजन्स दैट हैव कास्ट इंस्टिंक्शन ऑफ मेनी एनिमल्स। बेटा दो ऐसे कारण बताइए जो कि कई एनिमल्स के विलुप्त होने का कारण है। दो ऐसे कारण बताइए जिसके कारण कई एनिमल्स विलुप्त हो गए, ठीक है ना। आंसर क्या है? आंसर है लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन आर टू रीजन्स दैट हैव कास्ट इंस्टिंक्शन ऑफ मेनी एनिमल्स। बेटा लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट मतलब एनिमल्स के रहने की जगह, ठीक है ना, जहाँ पे वो रहते हैं यानी जंगल। जंगल जो है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम जंगलों को काट करके वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। तो ये हो गया वनों की कटाई के कारण, यानी उनके रहने के स्थान कम हो रहे हैं। और लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, उनके जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो कम हो रहे हैं या उनका क्षयीकरण हो रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं, इससे एनिमल्स जो है वो विलुप्त हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताइए। तो आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर इज द ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको किस लिए बनाया, किस लिए चलाया, टाइगर्स को बचाने के लिए। कब चलाया? अप्रैल 1973 में इसको शुरू किया गया और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अब टाइगर्स का शिकार अब कोई नहीं करेगा, टाइगर्स का शिकार करने पर लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर के साथ अब जो है हमारा लेसन 7 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये कॉपी में लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू।